अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज द थर्मोस्टेट फंक्शन इन फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन अगर आप ह्यूमंस को देखो तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम होता है उनके पांच कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट मेक श्योर करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो हर कंडीशन है वो हो यानी कि आपकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन हैं वो मेनटेन हो एक सर्टन नैरो रेंज में फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी का टम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा तो वो जो है वो चेंज कन्सिडर होकर इसको हम लोग स्टेमस कहेंगे ये स्टिमुलस जो है वो हमारा सेंसर फील करेगा और टेम्परेचर के, के केस में हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो स्किन के अंदर से मैसेज स्किन के जो सेल्स होते हैं वो हमारे सेंसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं और वो हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं और ब्रेन को जो मैसेज के रिस्पांस में हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्वेट और जो स्वेट होता है वो हमारी बॉडी को कूल डाउन होता है यानी हमारा स्टिमुलस जो था वो हीट थी और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ है वो कूलिंग रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ है तो ये रिस्पांस जो है ये हमारे स्टिमुलस के इफ़ेक्ट को नलीफाई है सो दैट्स वाई इस मैकेनिज्म को हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे हमेशा याद रखें कि हमारी बॉडी में हर चीज़ एक सर्टन कंट्रोल की वजह से मोनीटर होती है तो अगर मॉनिटरिंग के अंदर आपको पता चल जाए कि हीट ज़्यादा है तो उसके अगेंस्ट कोल्ड जो है वो उसको हीट को नलीफाई करेगा और जो हमारे स्वेट लैंड है अगर हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो हमारे स्वेट लैंड जो है वो स्वेट की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे तो अगर ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी का जो रिस्पांस है वो कॉन्टीन्यूस रहे और जब एक रिस्पांस लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हमारी बॉडी के लिए जो है वो डैमेजिंग हो जाएगा सो दैट्स वाइट चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो या चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो वो दोनों हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस होता है उसको मेनटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे होते हैं उसके बाद अगर ये टेम्परेचर रेगुलेशन ही की बात करूँ तो हमारी बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलमस है वो टेम्परेचर रेगुलेशन को मैंटेन कराते हैं आपने याद रखते हैं कि हर बॉडी का जो स्टिमुलस होता है वो बॉडी के सर्टेन ब्रेन के सर्टेन रीजन पर जाकर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो अगर टेम्परीचर के केस में जो है वो हमारे पास हाइपोथैलमस है जो कि टेमपरीचर को मेंटेन करा है बॉडी के और जैसे टेम्परेचर जो है वो थर्टी सेवन से कम या ज़्यादा होगा हाइपोथैलमस उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर थर्टी सेवन से कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जाने से स्टार्ट हो जाएगी हीट प्रोडक्शन और अगर टेम्परेचर जो है वो थर्टी सेवन से ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थर्टी सेवन ही रहे लेकिन क्या होता है कि सम समाइम ड्यू टू सम समीशन हमारी बॉडी का जो थर्मल होता है वो हिल जाता है वो कैसे हिलता है आपने याद रखते हैं कि जो पैथजन यानी ऐसे हार्मफुल फॉरेन बॉडीज जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एक सर्टेन केमिकल रिलीज करती हैं वो केमिकल को हम लोग पायरोजन्स कहते हैं ये पायरोजन्स जब आपके ब्रेन में जाते हैं तो आपके ब्रेन का थर्मोस्टैट थर्टी सेवन से ऊपर कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है और बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को हाई कर देती है और ये बॉडी का हाई टेम्परेचर होना फीवर कॉज करते हैं फिर हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और इन केमिकल्स को हम लोग एंडोजेनस पायरोजेंस कहते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया की जब आपस में फाइट होती है तो वो दोनों केमिकल रिलीज करते हैं और उस केमिकल के रिलीज के असर में हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टाइट होता है थर्टी सेवन से ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फीवर प्रोड्यूस होता है ये फीवर वाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है बैक्टेरियाज के अगेंस्ट फाइट करने में क्योंकि ये जो हाई टेम्परेचर होता है ये आपके बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीक कर देता है जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स इनको इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन के अंदर हमेशा फीवर प्रोड्यूस होता है और जब आपको फीवर होता है तो ये इस बात की निशानी होती है कि आपकी बॉडी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंडर अटैक है तो इसके साथ ही हमारी बॉडी टॉपिक्स जो है वो कम्प्लीट हो गए आई होप आपको आज के बताए हुए लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे दिस इज लाइबर तारे फ्रॉम टिटोला डॉट पी के साइनिंग ऑफ See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.